in association with Biz Analyst by Khata Book. नमस्ते, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं डीलर ऑन टॉप शो। जिस जगह पर खड़े होकर हम आपसे मुखातिब हैं, यहां से युद्ध भूमि की सीधी दूरी करीब 4,500 किलोमीटर दूर है। सीधे तौर पर हमारा युद्ध से ताल्लुक ऐसे लगता नहीं, लेकिन फिर भी हमें इस युद्ध की उतनी ही चिंता है जितनी वहां रह रहे लोगों को है। हम भी उतनी शिद्दत से शांति की चाह कर रहे हैं जितना यूक्रेन और बाकी दुनिया चाह रही है। भारत के सैकड़ों छात्र, हजारों छात्र और नागरिक यूक्रेन में फंसे हुए हैं। उनके घर वालों के साथ हम सबको उनकी सकुशल वतन वापसी की चिंता है। इसकी मांग भी हो रही है कि सरकार की तरफ से कोशिश चल रही है यूक्रेन में फंसे हुए लोगों को निकालने के लिए। सरकार क्या कर रही है और यूक्रेन और रूस की लड़ाई में भारत के तटस्थता के क्या मायने होंगे, ये सब हम विस्तार से समझेंगे। विद्वानों की राय भी आपको सुनाएंगे, लेकिन पहले युद्ध भूमि के कुछ अपडेट्स आपको बताते हैं। 24 फरवरी को युद्ध की शुरुआत हुई, तो उस लिहाज से आज युद्ध का दूसरा दिन था। पहले दिन युद्ध में कुल 137 लोगों की मृत्यु होने की जानकारी अब तक की आई है और हजारों लोग घायल हुए हैं। लड़ाई आज और भीषण हो गई। आज रूसी सैनिक यूक्रेन की राजधानी कीव में भी पहुंच गए। यूक्रेन की सेना का दावा है कि राजधानी पर मिसाइल से हमला हो रहा है, हालांकि रूस ने इस तरह के आरोपों से इनकार किया है। यूक्रेन में अफरा तफरी मची है, लोग बॉर्डर पार कर पश्चिमी यूरोप के देशों में जा रहे हैं। यूएन रेफ्यूजी एजेंसीज के मुताबिक अभी तक 1,00,000 से अधिक यूक्रेनी नागरिक विस्थापित हो चुके हैं। ये संख्या कई गुना बढ़ सकती है। हजारों की संख्या में लोगों ने मेट्रो स्टेशन और बॉम्ब शेल्टर्स में शरण ले रखी है। राजधानी कीव में भी गोलियों बमों की आवाज़ आ रही है, सायरन बज रहे हैं, इमारतें खंडर होती जा रही हैं, लाशें बिछ रही हैं। वो सब हो रहा है जो एक युद्ध भूमि में होता है। रूसी सैनिकों ने चेर्नोबिल न्यूक्लियर प्लांट पर कब्जा कर लिया है। यहाँ 1986 में रिएक्टर में एक दुर्घटना हुई थी, इसकी वजह से रेडिएशन फैला। उस समय पूरे इलाके को खाली करवा लिया गया था, न्यूक्लियर प्लांट को डीकमीशन कर दिया गया था। बाद में यहाँ पर परमाणु कचरा रखा जाने लगा। सोवियत संघ ने लंबे समय तक इस आपदा को छिपाने की कोशिश की थी, तो यहाँ भी रूस ने अब कब्जा कर लिया है। कुल मिलाकर रूस अपनी पोजीशन मजबूत करता जा रहा है और यूक्रेन का बंदोबस्त लगातार ढहता जा रहा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने एक वीडियो संदेश जारी किया है, जिसमें उन्होंने पश्चिमी देशों पर साथ न देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि हमने नेटो के सभी सदस्य देशों से बात की, हर कोई डरा हुआ है, कोई भी नेटो में शामिल करने की तय तारीख नहीं बता रहा, हमें अकेला छोड़ दिया गया है। कुल मिलाकर यूक्रेन पूरी दुनिया से मदद की अपील कर रहा है, लेकिन दुनिया इस युद्ध पर बटी हुई है। अमेरिकन और यूरोपियन यूनियन रूस पर प्रतिबंध तो लगा रहे हैं, लेकिन सीधे तौर पर युद्ध में सैन्य हस्तक्षेप की पहल नहीं कर रहे हैं। बूट्स ऑन ग्राउंड जिसको हम कहते हैं, अमेरिका सीधे दखल कर भी नहीं सकता है क्योंकि यूक्रेन नेटो का सदस्य नहीं है और अमेरिका या किसी यूरोपियन देश के पास ऐसी कोई वजह नहीं है कि वो यूक्रेन में रूस के खिलाफ भिड़ जाए। कुल मिलाकर नुकसान इंसानियत का हो रहा है, जाने आम लोगों की भी जा रही हैं, ज़मीन बंजर हो रही है, इमारतें खंडर हो रही हैं, सपने टूट रहे हैं और इसमें उन लोगों के भी सपने हैं जो भारत से पढ़ाई करने यूक्रेन गए थे। यूक्रेन में फंसे भारतीयों के लगातार वीडियोस आ रहे हैं, सरकार से निकालने की वो अपील कर रहे हैं, देखिए। रोज हमें बोला जाता है कि यहाँ पर सिचुएशन पैनिक होने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को, आप लोग यूनिवर्सिटी आओ अच्छे से, पढ़ो अच्छे से और कुछ भी दिक्कत नहीं होगी तुम लोग को। और कल ही हमारे 800 से ज्यादा बच्चे और मेरे बहुत सारे ग्रुपमेट्स एंड मेरे बहुत सारे दोस्त की से घर जा रहे थे और वहां पे बीच में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है, उन लोगों को बीच में रोक दिया गया है, उन लोगों को बीच से ही भेजा गया है। उसके लिए अगर वो लोग इंडियन एम्बेसी को कॉल वगैरह ट्राई करें कि सर हम यहाँ पे स्टक हो गए हैं, हम लोग को आगे बताएं कि हम लोग कैसे, क्या हम टर्नोपिल तक जाएं या फिर हमें आगे कहाँ जाना चाहिए, उन लोगों का इसके लिए कोई भी रेस्पॉन्स नहीं है, वो लोग कुछ भी आंसर नहीं कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी रोज हमें कह रही है कि क्लासेस ऑफलाइन ही चलेंगी, अभी यहाँ पे कुछ भी पैनिक होने की तुम्हें सिचुएशन की जरूरत नहीं है, ये नहीं वो नहीं है। 20,000 स्टूडेंट्स, मोर देन 20,000 स्टूडेंट्स यूक्रेन में पढ़ रहे हैं, हमारे देश के फ्यूचर के लिए तो ही हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं ना, चलो हम हमारे लिए भी पढ़ रहे हैं, बट फिर भी इंडियन गवर्नमेंट को थोड़ा इतना तो सोचना चाहिए ना कि अभी इवैक्यूएशन का, चलो आप अगर फ्री नहीं करवा सकते तो प्राइस तो आप थोड़ी कन्वीनियंट कर दो ना, ताकि सबके लिए ईजी रहे। भारत में भी विपक्षी पार्टियां सरकार पर दबाव बना रही हैं, यूक्रेन से लोगों को निकाल लेने की मांग कर रही हैं। मसलन पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने विदेश मंत्री एस जयशंकर को चिट्ठी लिखी। चिट्ठी में उन्होंने लिखा है कि कई सारे स्टूडेंट्स और अन्य पंजाबी यूक्रेन में फंसे हुए हैं, उनके परिवार वाले परेशान हैं, इसीलिए इन पंजाबियों को जल्द से जल्द निकालने के लिए आवश्यक इंतजाम करें। भारत ने लोगों को निकालने का अभियान भी तेज कर दिया है क्योंकि यूक्रेन नो फ्लाई जोन हो गया है, वहां हवाई उड़ानें बंद कर दी गई हैं, इसीलिए यूक्रेन के पड़ोसी देशों के रास्ते भारतीयों को निकालने की योजना बनी है, उस पर काम चल रहा है। आज भारत सरकार ने ऐलान किया है कि सरकार अपने खर्च पर भारतीयों को निकालकर भारत लाएगी।
आज इवैक्यूएशन की तस्वीरें भी आई। वेस्ट यूक्रेन में भारतीय विदेश विभाग के अधिकारियों ने कैंप लगाया, वहां भारतीयों को इकट्ठा करके बसों के जरिए सरहदी इलाकों में भेजा जा रहा है। इसके अलावा यूक्रेन के पड़ोसी देश जैसे स्लोवाकिया और पोलैंड में भारत के दूतावास एडवाइजरी जारी कर रहे हैं। जैसे स्लोवाकिया में भारतीय दूतावास ने कल भारतीय नागरिकों के लिए चिट्ठी जारी की थी। इसमें उन्होंने बताया है कि 24 फरवरी की दोपहर के बाद से स्लोवाकिया में भारतीय दूतावास के अधिकारी स्लोवाकिया यूक्रेन की सीमा पर मौजूद हैं और ये यूक्रेन से स्लोवाकिया में आने वाले भारतीयों को ज़रूरी मदद मुहैया करवा रहे हैं। पोलैंड में भारतीय दूतावास की तरफ से भी एक एडवाइजरी आई। इसमें उन्होंने जानकारी दी है कि यूक्रेन से पोलैंड की सीमा पर जो लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे बस या टैक्सी से आ रहे हैं वो शैनी मेडिका क्रॉसिंग पर पहुंचें, ना कि क्रकोविक क्रॉसिंग पर। इन नामों से हमें उच्चारण में गलती भी हो सकती है क्योंकि ये हमारे लिए कुछ नए नाम है। तो इस तरह से भारतीयों को निकालने के मिशन पर सरकार चल रही है। अब आते हैं भारत के स्टैंड पर। इस युद्ध को लेकर भारत तटस्थ है। भारत को यह मानना है कि युद्ध नहीं होना चाहिए। कल रूस के राष्ट्रपति पुतिन से बातचीत में भी पीएम मोदी ने यही बात कही कि बातचीत से मसले को सुलझा लेना चाहिए। मतलब भारत ना तो रूस की आलोचना करना चाहता है और ना ही इस युद्ध का समर्थन कर रहा है। आज विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी एक ट्वीट से जानकारी दी कि यूक्रेन के विदेश मंत्री से उनकी बात हुई और इस बातचीत में भारत ने कूटनीति और डायलॉग पर जोर दिया है। मतलब हम शांति की अपील कर रहे हैं, इसके लिए भारत की आलोचना भी हो रही है, लेकिन कूटनीतिक लिहाज से भारत का कैसा फैसला है ये समझने के लिए हमने बात की जेएनयू में स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज के प्रोफेसर हैप्पीमन जैकब से। You know, I think there are three options as far as India is concerned. Option number one is basically to sort of condemn Russian aggression against Ukraine and say that jo Russia ne kiya hai wo sahi nahi kiya hai aur nahi hona chahiye tha aur isko abhi band karo. To wo position le sakte hain. And the other position, of course, is that what Russia has done is the right thing in the light of Russia's legitimate security interests in the region. Jo humko pata hai ki NATO Russia ke sphere of influence ke andar aa chuke hai aur Russia kafi saalon se ये नेटो का जो फोर्सेस अपने आसपास में होने से काफी चिंतित है, काफी इनसिक्योर है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो रशिया ने किया है वो सही किया है। सो देयर आर टू ऑपोजिंग ऑफ कोर्स पोजीशंस दैट वन कैन चूज फ्रॉम। इंडिया इन माय ओपिनियन हैज चोसन द मिडिल पाथ। इंडिया हैज बेसिकली सेड दैट देयर शुड बी एन एंड टू violence, armed violence. There should be no war, but it has not condemned Russia. It has not supported Russia in some way. So, in many ways, I think India has taken the middle path of being neutral about it. And yet, I think there is a very indirectly India ka position saaf nazar aata hai ki ye kafi Russia ke taraf इनका पोजीशन टिल्टेड है। सो इंडियाज पोजीशन इज टिल्टेड टुवर्ड्स रशिया, इन फेवर ऑफ रशिया, ऑल्दो इंडिया इज नॉट सेइंग इट। बट आई थिंक आज रात को जब यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में वोटिंग होगा एंड वोटिंग इस बात पे होगी कि रशियन अग्रेशन जो है यूक्रेन के ऊपर उसको कंडम किया जाए या नहीं किया जाए, उसी के ऊपर वोटिंग होगा। तब पता चलेगा कि इंडिया का एक्चुअल पोजिशन क्या है। मुझे लगता है कि इंडिया अब इस वोटिंग से अब्सटेन करेंगे। रिमेंबर इंडिया इज अ मेंबर ऑफ द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम एंड द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल इज हेडेड बाय रशिया एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। लेकिन यू नो इसमें एक और चीज मन में रखना चाहिए कि इट इज नॉट ईजी फॉर इंडिया to take a very absolutist position on this. You know, literature mein kehta hai ki ek desh ko apne principal contradiction ko man mein rakhna chahiye jab koi bhi strategic position choose karte hai. Ab as far as India is concerned, India ka principal contradiction is not Russia. India's principal contradiction is not the West. India's principal contradiction is China. तो ये मन में रखना चाहिए जो भी पोजीशन इंडिया लेंगे, जो भी आर्ग्यूमेंट इंडिया इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने रखेंगे इस कॉन्टेक्स्ट में, इस परिस्थिति में, ये सोचना चाहिए कि इंडिया का जो प्रिंसिपल कॉन्ट्रडिक्शन चाइना है
उस कॉन्ट्रडिक्शन को मन में रखने के बाद व्हाट वुड बी द राइट थिंग फॉर इंडिया टू चूज. इन अदर वर्ड्स कीपिंग चाइना इन माइंड व्हाट इज द राइट थिंग फॉर इंडिया टू डू. Right thing to do is, for as far as India is concerned, India needs both the Russians as well as the Americans and the West. There is a certain dualism, if you ask me, in India's strategic positioning at this point of time. There is the continental sphere, जहाँ पे आपका LOC है, line of actual control है, जो चाइना के साथ है. तालिबान अभी अफगानिस्तान में वापस आ गए हैं. और जो पूरा कॉन्टिनेंटल स्फीयर में इंडिया के पास अभी काफी दोस्त नहीं है, कोई भी दोस्त नहीं है, केवल रशिया है. और जहां और जब दूसरी तरफ आपका मैरिटाइम स्फीयर है, इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी है, क्वाड है, वहां पर रशिया कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन अमेरिकन और अमेरिकन के जो अलाइज है, बीट ऑस्ट्रेलिया, बीट जापान, ये सारी देश इंडिया के साथ दे सकते हैं मैरिटाइम स्पीयर पे. लेकिन ये दोनों स्पीयर जो है अलग अलग स्पीयर है. एक स्पीयर में इंडिया को रशिया चाहिए, दूसरे स्पीयर में इंडिया को यूएस एंड इट्स अलाइज चाहिए. तो इंडिया कैनॉट अफोर्ड टू मेक ऑफेंड आइदर ऑफ दीज टू टू साइड्स एक्चुअली. सो आई थिंक दैट्स द डिलेमा इंडिया इज डीलिंग विद. सो गिवन दैट डिलेमा, इस परिस्थिति में इंडिया क्या कर सकते हैं? इंडिया बस एक न्यूट्रल पोजिशन दे सकते हैं जो दिखता है कि थोड़ा रशिया की तरफ ट्यूटेड है. लेकिन ऑल आउट कंडमनेशन इन माय ओपिनियन इज नॉट पॉसिबल. जहां तक पुटिन का जो अग्रेशन है यूक्रेन के ऊपर, दैट इज ए प्रॉब्लम फॉर नेटो, नॉट फॉर इंडिया. आई मीन फ्रॉम ए ह्यूमैनिटेरियन पॉइंट ऑफ व्यू दैट्स अ प्रॉब्लम फॉर इंडिया. बट जहां हम बैठे हैं, हमें उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है. और जहां तक नेटो का जो एक्सपेंशन है रशिया के जो नेबरहुड में, दैट इज ए प्रॉब्लम फॉर रशिया, नॉट फॉर इंडिया. नाउ व्हाट इज इंडियाज प्रॉब्लम? जहां तक इंडिया का प्रॉब्लम है, इंडिया का प्रॉब्लम चाइना है. और उस प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए इंडिया को दोनों, रशिया भी चाहिए और अमेरिकन भी चाहिए. दैट इज द डिलेमा इंडिया इज फेसिंग. एक मेरा सप्लीमेंट्री क्वेश्चन और होगा सर, कि हमने लास्ट डिकेड में देखा कि इंडिया का टिल्ट यूएस की तरफ ज्यादा दिखता है हमें, तो इस बार इस मामले में इंडिया का जो स्टैंड होगा, क्या वो डिसाइसिव होगा इंडिया यूएस रिलेशन के लिए और इंडिया रशिया रिलेशन के लिए? ये यू नो अगेन दिस इज एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. प्रॉब्लम ये है कि अभी अमेरिकन ये कॉन्टिनेंटल स्फीयर से जहां पे इंडिया लोकेटेड है, जो साउथ एशियन कॉन्टिनेंटल स्फीयर जो है, अमेरिकन यहां से निकल चुके हैं, वो यहां से अफगानिस्तान से जा चुके हैं. उनका कोई प्रेजेंस साउथ एशिया में नहीं है, उनका कोई प्रेजेंस सेंट्रल एशिया में नहीं है, इनका कोई जो इन्फ्लुएंस इस रीजन में हुआ करता था वो इन्फ्लुएंस अभी रहा नहीं. और वेस्ट एशिया से भी अभी काफी दिन इनका इन्फ्लुएंस रहेगा. तो उस माहौल में इंडिया को रशिया का हेल्प मदद चाहिए. ऑन दी अदर हैंड, इंडिया इज क्लोजेस्ट टू द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका देन एवर बिफोर इन इट्स हिस्ट्री. आप पिछले 75 साल देखे तो इंडिया हैज नेवर बीन इतने करीब, यूएस के करीब रहा नहीं है. तो अमेरिकन्स को पता है कि इंडिया करीब आ रहे हैं, इंडिया को पता है कि अमेरिका का मदद चाहिए. तो ये एक 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 धर्म संकट है इंडिया के सामने. एक एक को छोड़कर किसी को पकड़ नहीं सकते हैं. दोनों चाहिए इंडिया को अपने थ्रेट असेसमेंट के लिए, अपने जो थ्रेट असेसमेंट है उसको, उसका जो नीड्स फुलफिल करने के लिए दोनों साइड की मदद चाहिए. तो मुझे लगता है कि यदि ये लड़ाई, यूक्रेन के ऊपर जो लड़ाई है, यदि ये जो ज्यादा सीवियर हो जाएगा तो इंडिया के लिए मुश्किल हो जाएगा कि मिडिल ग्राउंड पकड़ के आगे जाने में. यदि सुलझा जा सके इस जो प्रॉब्लम है, इस सुलझाया जाए, डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन निकाला जाए, तो मुझे लगता है कि इट वुड बी इजियर फॉर इंडिया. द मोर द वॉर ऑन यूक्रेन प्रोलॉन्ग्स, द मोर डिफिकल्ट इट इज गोइंग टू बी फॉर इंडिया to strike a middle ground. So one will have to wait and see what happens. Aage jaake, aane wale dinon mein, hafton mein,
महीनों में क्या होता है ये देखने वाली बात है। अभी हम कह नहीं सकते कि इसका इसका सोल्यूशन कैसे व्हाट काइंड ऑफ सोल्यूशन देयर विल बी कम्स टू दैट। सर यूएस और ईयू यूरोपियन यूनियन सैंक्शंस लगा रहे हैं रशिया क्योंकि वो डायरेक्टली मिलिट्री एक्शन कर नहीं सकते उस तरह से। हमारी S-400 डील है रशिया से, अभी तक हमें कुछ मिला नहीं है, तो क्या वो भी खतरे में पड़ सकती है अगर हम यूएस के साथ या नेटो के साथ मतलब उस तरह से सपोर्ट नहीं करते हैं, पुतिन के खिलाफ नहीं जाते हैं, क्रिटिसाइज नहीं करते हैं उसको? ये जो एग्जम्पशन इंडिया को मिलना था, हम रशिया से S-400 वेपन सिस्टम ले रहे हैं और अमेरिका के जो डोमेस्टिक लॉ काट्सा के अंदर तहत जो भी कंट्री इनसे S-400 सिस्टम लेंगे उनके ऊपर सैंक्शंस लागू होगा। तो इंडिया और यूएस के रिलेशंस काफी अच्छे हैं आज के जमाने में, इसलिए अमेरिकन सोच रहे थे कि इंडिया को एग्जम्पशन दे देंगे। अभी एग्जम्पशन की बात चल रही है, अभी तक ये लागू हुआ नहीं, एग्जम्पशन मिला नहीं है। यदि बिकॉज ऑफ व्हाट इज हैपनिंग जो आजकल चल रहा है, सैंक्शंस अभी बढ़ते जा रहे हैं और मिलिट्री अटैक चल रहे हैं, इसके कारण यदि ये जो एग्जम्पशन इंडिया को दिया गया है यदि वो बंद करे अमेरिकन्स, तो इंडिया के लिए मुश्किल होगा S-400 सिस्टम्स उनसे लेने में, और लेने के बाद जो सैंक्शंस इंडिया पे लग जाएगा वो सब इंडिया के लिए काफी मुश्किल हो जाएगा। वो एक बात है, ये हो सकता है कि ये अमेरिकन कह देंगे वो जो हमने एग्जम्पशन दिया था सोच रहे थे देने के लिए वो लागू होगा, एग्जम्पशन दे देंगे। लेकिन आगे जाके भी इंडिया और रशिया सोच रहे हैं कि जॉइंटली डिफेंस प्रोडक्शन करें। सेंट्रल एशिया में अभी डिफेंस प्रोडक्शन इकट्ठे जॉइंट वेंचर खोलने के लिए बात हो रही थी। इन सारी चीजों में इंडिया कुड पोटेंशियली फेस डिफिकल्टीज। सो if the Russia West standoff does not get resolved very soon, then I think aage jaake India ke jo defense deals Russia ke saath hai, India ke jo ikhte weapons produce karne ka, jaise BrahMos missiles ki baat hogi, in sari cheezon mein India ko kafi difficulties face karna padega. ye to aapne baat sahi kaha. एक आखिरी सवाल सर, वेस्ट के पास या नेटो अमेरिकन लेड नेटो के पास अब क्या ऑप्शन बचता है? सैंक्शन एक तरीका है लेकिन सैंक्शन वो ज्यादा अभी असर नहीं कर रहा है, वो कोई टैक्टिकल मूव नहीं है, वो एक लॉन्ग टर्म के लिए हो सकता है, तो अमेरिका के पास अब क्या ऑप्शन है पुतिन को रोकने के लिए? जहां तक मेरा मानना है, मुझे नहीं लगता कि वेस्ट के पास अमेरिकन के पास काफी ऑप्शन अभी बचे हैं। मिलिट्री ऑप्शन अगेंस्ट ए न्यूक्लियर वेपन कंट्री लाइक रशिया काफी मुश्किल है उसको इम्प्लीमेंट करने में, और यूक्रेन इज नॉट येट ए नेटो मेंबर, और जो नेटो का मेंबर नहीं है यूक्रेन, वहां पे रशिया ने जो किया है उसके खिलाफ यदि नेटो फोर्सेस को अपने लोगों को सेना को वहां भेजना इज नॉट गोइंग बी एन इजी डिसीजन टू मेक। यदि नेटो का मेंबर हो, यदि नेटो का मेंबर होता तो बात कुछ अलग है, लेकिन ये नेटो का मेंबर है ही नहीं। तो जहां तक मुझे लगता है कि ये दिस इज गोइंग टू बी सैंक्शंस एंड मोर सैंक्शंस एंड फेट अकेबली होगा, जो अभी हुआ है उसको एक्सेप्ट कर लेंगे और आगे मूव कर लेंगे, कुछ सैंक्शंस वगैरह लगाएंगे। उनके पास मुझे नहीं लगता कि काफी कार्ड्स बचे हैं अमेरिका और नेटो के पास, क्योंकि ये नेटो के मेंबर है ही नहीं। रूस में सिपाही दे चुके भारत के पूर्व राजदूत अशोक सज्जनहार का क्या कहना है वो भी सुन लीजिए। तो भारत के और रूस के बहुत अच्छे संबंध हैं, बहुत सामरिक संबंध है, सिविलाइजेशनल, और हमने बिल्कुल, और हमारे अमेरिका के साथ भी पिछले 22 साल से 2000 से लेकर अभी तक बहुत ही अच्छे संबंध हुए हैं। मैं तो ये समझता हूँ जो अमरीका इस समय भारत के लिए सबसे कॉन्सिक्वेंशियल और सबसे महत्वपूर्ण पार्टनर बनकर उभरा है, क्योंकि हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो चीन का है, और अगर कोई हमारी सहायता कर सकता है, हमको अगर देखिए चीन से लड़ाई करनी होगी तो हमको अपने आप ही करनी होगी। लेट अस नॉट बी अंडर एनी इल्यूजन जो कोई देश आकर हमारी सहायता करेगा। तो ये जो यूक्रेन के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो ये भारत के बारे में कभी ऐसी बातचीत नहीं होनी चाहिए, हमको मालूम है जो हमें अपने ही बलबूते पर चीन के साथ या किसी और के साथ लड़ाई करनी पड़ेगी, परंतु हमारी सक्षमता को बढ़ाने के लिए तो वो हमको अमेरिका से, या फिर इंटेलिजेंस के लिए हमको अमेरिका से वो किया जा सकता है। भारत दोनों के बीच में बहुत ही अच्छा मेरे विचार से समन्वय बनाकर आगे चल रहा है, बैलेंस न्यूट्रल पोजीशन।
आपने देखा है कल प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन से बात की, उनसे कहा, उनको सलाह दी, जो आप इसको जंग को अब बंद कर दीजिए, खत्म कर दीजिएगा, बातचीत से इसको आगे बढ़ाइए, और हमारे वहां पर जो स्टूडेंट्स हैं और नेशनल्स हैं उनको कैसे वापस ले जाया जा सकता है। उसके साथ साथ सर्गेई लावरोव से भी हमारे विदेश मंत्री ने कल बात की, और कल एंटनी ब्लिंकन से भी बात की, और बहुत सारे विदेश मंत्री हैं तो जो यूरोप में हैं। तो इसीलिए भारत का मैं कहूंगा कद है या रुतबा है बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है। अब यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के हम नॉन परमानेंट मेंबर भी हैं, और मेरे विचार से जो हम कह रहे हैं डी एस्केलेशन रिस्ट्रेंट डिप्लोमेसी डायलॉग, आई थिंक ये चार मंत्र हैं जिसको लेकर के हमें आगे जाना चाहिए, इसी से इस मामले का हल निकल सकता है। आज रात यूक्रेन के मामले पर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक होनी है, इस पर भारत किस तरफ वोट करता है ये देखना अहम होगा। पहले सुर्खी में बात महाराष्ट्र के गिरफ्तार हो गए मंत्री नवाब मलिक की। आज सुबह न्यूज एजेंसी एनआई के हवाले से खबर आई कि नवाब मलिक को मुंबई के जेजे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नवाब मलिक रूटीन चेकअप के लिए अस्पताल आए थे, यहां से उन्हें डॉक्टर्स की सलाह पर एडमिट करा लिया गया। हालांकि नवाब मलिक के अस्पताल में भर्ती होने का कारण का पता हमें अभी तक नहीं लग पाया जब तक इस बुलेटिन की तैयारी हुई। उससे पहले 23 फरवरी को नवाब मलिक को प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने गिरफ्तार किया था। 23 फरवरी को सुबह 6 बजे ईडी ने सबसे पहले नवाब मलिक के घर पर उनसे पूछताछ की, बाद में विस्तार से पूछताछ के लिए ईडी के मुंबई के ऑफिस ले जाया गया उन्हें, और शाम होते होते नवाब मलिक की गिरफ्तारी की खबर आई। फिलहाल पीएमएलए कोर्ट से अनुमति मिलने के बाद नवाब मलिक 3 मार्च तक ईडी की रिमांड पर हैं। गौरतलब है कि नवाब मलिक पर सॉलिड इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड के जरिए 300 करोड़ रुपए के एक प्लॉट को महज कुछ लाख रुपए में खरीदने का आरोप है। ये जमीन कथित तौर पर मुनार प्लम्बर की थी, जिसे लंबे समय तक दाऊद गैंग ने प्रताड़ित किया था। ईडी के मुताबिक इस कंपनी का मालिकाना हक नवाब मलिक के परिवार के पास है, और मलिक इस परिवार को हसीना पारकर और डी गैंग के अन्य सदस्यों के सहयोग से चलाते हैं, आरोप है ये। नवाब मलिक का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ कि आज सुबह इनकम टैक्स की टीम ने शिवसेना के पार्षद यशवंत जाधव और उनकी विधायक पत्नी यामिनी जाधव के मुंबई स्थित ठिकानों पर छापेमारी की। यशवंत अभी बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन यानी बीएमसी की स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन भी हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो यशवंत जाधव पर 15 करोड़ के घोटाले का आरोप है, जिसके सिलसिले में आज छापेमारी हुई है। इसके अलावा जाधव दंपत्ति वित्तीय हेरफेर के आरोपों को लेकर 2019 में आयकर विभाग के निशाने पर भी रहे हैं। शिवसेना ने छापेमारी को राजनीति से प्रेरित बताया है। सुनिए, वो राजनीति चुनावी हो रही है लेकिन ये बहुत ही घटिया राजनीति हो रही है। राजनीति तो होनी चाहिए, एक दूसरे के साथ बातचीत होती है, विचारों की लड़ाई होती है, चुनाव में हम लड़ते हैं, लेकिन आप चुनाव हार गए या आपकी सत्ता नहीं आ गई या आप सत्ता तक नहीं पहुंच पा रहे, इसीलिए जिस तरह से सेंट्रल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी केंद्रीय जांच यंत्रणा का दुरुपयोग हो रहा है इस देश में और गवर्नर हाउस का भी, देखिए वेस्ट बंगाल में क्या हो रहा है, अभी क्या हो रहा है, ये कौन सी डेमोक्रेसी हमारे देश में कुछ लोग चला रहे हैं। तो आदित्य ठाकरे जी ने उत्तर प्रदेश में कहा है कि बहुत ही घटिया राजनीति देश में चल रही है और हमको सबको मिलकर उससे टक्कर देनी पड़ेगी। अगली सुर्खी उस अज्ञात योगी से जुड़ी है जिसने शेयर बाजार की दुनिया में सनसनी पैदा कर दी थी। भारत में कल देर रात सीबीआई ने चेन्नई से नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के पूर्व ग्रुप ऑपरेटिंग ऑफिसर आनंद सुब्रमण्यम को गिरफ्तार कर लिया। सीबीआई अधिकारियों की माने तो आनंद को जांच में सहयोग नहीं करने के कारण गिरफ्तार किया गया। चेन्नई से आनंद को सीबीआई के दिल्ली स्थित मुख्यालय लाया जाएगा और यहां से न्यायिक हिरासत के बाद अदालत में पेशी होगी। आनंद की गिरफ्तारी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएसई के कोलोकेशन स्कैम को लेकर हुई है। दरअसल भारत के वित्तीय नियामक सिक्योरिटी एंड एक्सचेंजेस बोर्ड ऑफ इंडिया यानी कि सेबी ने 2016 में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में अनियमितता की शिकायत उन्हें मिली थी। इसके बाद जांच शुरू हुई तो पता चला कि एनएसई के तत्कालीन सीईओ एवं एमडी चित्रा रामकृष्णन किसी अज्ञात योगी के इशारे पर सारे फैसले ले रही थीं। इस मामले में सेबी ने 6 साल की जांच के बाद इसी फरवरी महीने में ऑर्डर जारी किया। आरोप है कि चित्रा ने इस योगी के साथ ईमेल के जरिए स्टॉक एक्सचेंज की कई गुप्त जानकारियां शेयर की और कई अहम फैसलों में योगी की प्रभावशाली भूमिका थी। सेबी ने रामकृष्णा पर 3 करोड़ रुपए,
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के पूर्व एमडी और सीईओ रवि नारायण और सुब्रमण्यम पर 2-2 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया है। साथ ही एनएससी ने सेबी के पास अपने सबमिशन में कहा था कि आनंद ही असल में योगी हैं और उन्होंने ही ये फेक आइडेंटिटी तैयार की है। हालांकि सेबी ने एनएससी की दलील को नहीं माना। सेबी की राय में अज्ञात योगी कोई ऐसा इंसान है जो एनएससी के लिए बाहरी है। संभव है कि आने वाले दिनों में इस अज्ञात योगी की पहचान भी उजागर हो। तीसरी सुर्खी में बात कर्नाटक में हो रहे हिजाब विवाद की। आज कर्नाटक हाईकोर्ट ने सारे पक्षों की दलीलें सुनने के बाद शिक्षण संस्थानों में हिजाब पर प्रतिबंध लगाने के खिलाफ लगाई गई मुस्लिम छात्राओं की याचिका पर सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है। हिजाब को लेकर कर्नाटक हाईकोर्ट में बैक टू बैक 11 दिनों तक लगातार सुनवाई हुई है। इस बीच कोर्ट में फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस, धार्मिक अभ्यास से लेकर कुरान के सूरे और हदीस का जिक्र भी हुआ। हाईकोर्ट की जिस बेंच ने यह फैसला सुरक्षित रखा है उसमें चीफ जस्टिस ऋतुराज अवस्थी, जस्टिस कृष्णा एस दीक्षित और जस्टिस जे एम खाजी शामिल हैं। अदालत को कवर करने वाली वेबसाइट बार एंड बेंच के मुताबिक याचिकाकर्ताओं में से एक की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता यूसुफ मुच्छला ने तर्क दिया कि सिर को कपड़े से ढकने दिया जाए, हमें ऐसा करने से रोकना कॉलेज के लिए सही नहीं है। आवश्यक धार्मिक अभ्यास का प्रश्न अंतरात्मा की स्वतंत्रता से आयात नहीं किया जा सकता है। हदीस भी कहती है कि चेहरे को ढकने की नहीं बल्कि हिजाब पहनने की जरूरत है। महाधिवक्ता ने कहा कि कुरान में जो कहा गया है वह अनिवार्य होते हुए भी जरूरी नहीं है, ये शायरा बानों के विपरीत है। इसके बाद याचिकाकर्ता इन पर्सन डॉक्टर विनोद कुलकर्णी थे। उन्होंने कहा, स्कूलों और कॉलेजों में हिजाब पर प्रतिबंध लगाने से मुस्लिम लड़कियों के मानसिक स्वास्थ्य पर असर पड़ा है, खासकर हिजाब पहनने वाली लड़कियों पर। हिजाब को 1400 वर्षों से एक सांस्कृतिक प्रथा और रिवाज के रूप में देखा जाता है। इससे पहले की सुनवाई में राज्य सरकार ने तर्क दिया था कि हिजाब पहनने की प्रथा को सबरीमाला और ट्रिपल तलाक के फैसले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित संवैधानिक नैतिकता की कसौटी पर खरा उतरना चाहिए। खबरों के लिहाज से इतना ही। आखिर में आपको की राय। आज का सवाल था कि यूक्रेन से भारतीयों को निकालने में मोदी सरकार की कोशिश में कमी रह गई है क्या? क्वेश्चन मार्क। हाँ में जवाब दिया है 33% ने, ना में जवाब दिया है 67% ने। अगर आप भी कूपर हमारे पोल्स का हिस्सा बनना चाहते हैं तो कूपर दी ललन टॉप को फॉलो करें। हम कूपर आपसे अलग अलग मुद्दों पर आपकी राय भी मांगते रहेंगे। अपनी राय आप हमें कॉमेंट बॉक्स या #LTShowOnKoo के साथ आप कू करके बता सकते हैं, हम उससे भी दी ललन टॉप शो में शामिल करेंगे।